दोस्तों, चेहरे की धूल, मिट्टी और गंदगी साफ करने के लिए अक्सर आप फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं। बावजूद इसके स्किन इतनी क्लियर और फ्रेश नहीं दिखती। दरअसल ऐसा फेस वॉश का सही तरह से इस्तेमाल न करने के कारण होता है। कई लोग बिना जानकारी के किसी भी फेस वॉश से चेहरा धो लेते हैं, जिसके बाद उनके चेहरे पर कोई अंतर दिखाई नहीं देता। इसलिए फेस वॉश का इस्तेमाल करने से पहले इसे लगाने का सही तरीका जानना बेहद जरूरी है। प्रदूषित हवा के कारण चेहरे पर गंदगी जमा हो जाती है, जिसे हटाने के लिए फेस वॉश अच्छा विकल्प है। यह न केवल आपके चेहरे को मॉइस्चराइज करता है, बल्कि चेहरे पर प्रदूषण, धूल और विभिन्न कणों को साफ करने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह एक अच्छा एक्सफोलिएटर भी है, जो आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने के साथ इसे एक्ने फ्री बनाता है। अब सवाल यह है कि अपने रूटीन में चेहरे की साफ सफाई में अहम भूमिका निभाने वाले फेस वॉश के इस्तेमाल की आपको कितनी जानकारी है, क्योंकि आज भी ज्यादातर लोग फेस वॉश की बारीकियों से अनजान हैं और इसका यूज करने के लिए गलत मेथड अपनाते हैं। अगर आप भी रोजाना फेस वॉश का प्रयोग करते हैं, तो आज का हमारा ये वीडियो, इसमें हम आपको फेस वॉश के इस्तेमाल का सही तरीका, टिप्स, सावधानी और घर पर फेस वॉश बनाने की विधि भी बताएंगे। फेस वॉश क्या है? फेस वॉश एक ऐसा पदार्थ है जिसका इस्तेमाल साबुन के स्थान पर चेहरा धोने के लिए होता है। यह एक झागदार क्लींजर है जिसका उपयोग चेहरे की गंदगी, तेल, प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। इसे लगाने के बाद चेहरा साफ और तरोताजा दिखता है। चेहरे के लिए कैसे फायदेमंद है फेस वॉश? यह तो आप सभी जानते हैं कि फेस वॉश चेहरे धोने के लिए बेस्ट होता है, लेकिन इसके फायदों के बारे में आपको नहीं पता होगा, तो चलिए जानते हैं फेस वॉश से होने वाले फायदों के बारे में। फेस वॉश सेंसिटिव स्किन में होने वाले किसी भी डैमेज से बचाने में फायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से चेहरे पर ताजगी आती है। यह त्वचा को स्वस्थ रखने के साथ इसे पिंपल फ्री भी बनाता है। इसके नियमित इस्तेमाल से रक्त का प्रवाह बढ़ता है। फेस वॉश स्किन को हाइड्रेट रखता है। फेस वॉश के इस्तेमाल से त्वचा हरदम जवान दिखाई देती है। कैसे करें सही फेस वॉश का चुनाव? फेस वॉश को हमेशा अपनी स्किन टाइप को ध्यान में रखते हुए खरीदना चाहिए। सूखी, तैलीय, संवेदनशील त्वचा के लिए मार्केट में अलग अलग फेस वॉश उपलब्ध हैं, इसलिए पहले अपनी स्किन की जरूरत को समझें। उसके बाद ही ऐसा फेस वॉश चुने जो आपका क्लियर स्किन दे। हालांकि लोग बस कोई भी फेस वॉश ब्रांड के नाम पर खरीद लेते हैं और फिर दोष देते हैं कि ब्रांडेड खरीदने के बाद भी उनका चेहरा साफ नहीं दिखता। इसमें गलती फेस वॉश की नहीं, बल्कि आपके द्वारा उसका सही से चुनाव न करने की है। इसलिए फेस वॉश का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। कैसे, हम आपको बताते हैं। ड्राई स्किन के लिए फेस वॉश। ड्राई स्किन को हमेशा पोषण की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसी त्वचा के लिए ऐसा फेस वॉश चुनें जिसमें लेनोलिन, पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल जैसी सामग्री शामिल हो। इससे त्वचा को पोषण मिलता है। बता दें कि ड्राई स्किन वाले लोगों को कभी भी झाग देने वाले फेस वॉश नहीं खरीदने चाहिए। इसके अलावा सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड की सामग्री वाले फेस वॉश खरीदने से बचना चाहिए। ऑयली स्किन के लिए फेस वॉश। तैलीय त्वचा के लिए ऐसा फेस वॉश चुनें जिसमें अतिरिक्त सीबम से निपटने की क्षमता हो। सीबम प्राकृतिक रूप से तेल स्त्राव है जो आपकी त्वचा पर होता है। ऑयली स्किन के लिए झागदार फेस वॉश का चुनाव करना चाहिए। ऐसी स्किन वाले लोग सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश ही खरीदें। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए फेस वॉश। कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी तो स्किन बहुत सूखी तो कभी बहुत तैलीय हो जाती है। ऐसी स्किन वाले लोगों को एल्कोहल फ्री, हाइपोएलर्जेनिक और सोप फ्री फेस वॉश खरीदना चाहिए। सेंसिटिव स्किन के लिए फेस वॉश।
अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो पहले ये जानना जरूरी है कि समस्या चेहरे के किस हिस्से पर है। ऐसी स्किन वाले लोगों को ऐसा फेस वॉश खरीदना चाहिए जिसमें अल्कोहल न हो, खुशबू से रहित हो, हाइपोलोजेनिक और पैराबिन फ्री हो। पिंपल वाली त्वचा के लिए फेस वॉश। अगर आपकी त्वचा पर मुहासे बने रहते हैं तो आपको टी ट्री, नीम, एलिसिलिक एसिड बेस एंटी एक्ने फेस वॉश खरीदना चाहिए। नॉर्मल स्किन के लिए फेस वॉश। आप खुशनसीब हैं अगर आपकी त्वचा सामान्य है, क्योंकि ऐसी त्वचा वालों को हर प्रकार के फेस वॉश सूट कर जाते हैं। लेकिन ऐसी त्वचा पर हमेशा हार्ड केमिकल वाले फेस वॉश का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। नॉर्मल स्किन पर झागदार और झाग रहित दोनों तरह के फेस वॉश यूज किए जा सकते हैं। घर पर कैसे बनाएं फेस वॉश। आपकी त्वचा की देखभाल का पहला स्टेप चेहरे पर फेस वॉश का इस्तेमाल है। धूल, पसीना, गंदगी और बैक्टीरिया आपकी त्वचा पर जमा होते हैं, जिससे आपकी त्वचा कई बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। घर का बना फेस वॉश त्वचा की विभिन्न समस्याओं से बचाने में आपकी मदद करता है। यह आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। आप अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार किचन में उपलब्ध सामग्रियों की मदद से फेस वॉश बना सकते हैं। नॉर्मल व ड्राई स्किन के लिए घरेलू फेस वॉश। सूखी त्वचा वाले लोगों को हमेशा अपने चेहरे पर फेस वॉश करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे लगाने के बाद चेहरा और ड्राई हो जाता है। सूखी त्वचा के लिए आप घर पर बना फेस वॉश ट्राई करें। यह चेहरे पर प्राकृतिक नमी को बनाए रखता है। दही और शहद का फेस वॉश। दही और शहद का फेस वॉश सूखी त्वचा पर बहुत हल्का होता है। आप नियमित रूप से इसका उपयोग कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप एक कटोरी में 2 चम्मच दही और 1 चम्मच शहद मिलाएं। अब इस फेस वॉश को चेहरे पर लगाएं। 2 से 3 मिनट तक लगे रहने दें और फिर पानी से धो लें। यदि आपकी त्वचा ज्यादा ही ड्राई है तो आप इस मिश्रण में 1 चम्मच जैतून का तेल भी मिला सकते हैं। शहद और अंडा फेस वॉश। अगर आपकी त्वचा शुष्क है तो इस पर चिकनाहट और नमी लाने के लिए आप शहद और अंडे से बना फेस वॉश लगा सकते हैं। इसके लिए 1 अंडे की जर्दी और 1 चम्मच शहद लें। 6-7 बादामों का एक पेस्ट बनाएं और पैक में डालें। पैक को अच्छे से हिलाएं और फिर चेहरे पर लगा लें। 10-15 मिनट तक लगा रहने दें। सूखने पर इसे गुनगुने पानी से धो लें। आप रोजाना जब भी चेहरा धोएं, इस होममेड फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयली व एक्ने स्किन के लिए होममेड फेस वॉश। तैलीय त्वचा पर गंदगी बहुत जल्दी चिपकती है, जो अक्सर मुहासे, ब्लैकहेड्स और पिंपल्स का कारण बनती है। ऐसे में ऑर्गेनिक फेस वॉश त्वचा के लिए उपयुक्त हैं। दही और स्ट्रॉबेरी फेस वॉश। घर का बना दही और स्ट्रॉबेरी क्लींजर चेहरे से अतिरिक्त तेल और सीबम को हटाता है। इसके लिए 2 ताजे पके हुए स्ट्रॉबेरी और 2 चम्मच दही मिलाएं। दोनों सामग्रियों को ब्लेंडर में ब्लेंड करें और प्यूरी को धीरे से हिलाएं। इसे चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे मालिश करें। 5-7 मिनट के लिए इसे लगा रहने दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। केमिकल फेस वॉश की जगह आप रोजाना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध और शहद फेस वॉश। दूध और शहद से बना घरेलू फेस वॉश आपकी त्वचा को न केवल चमकाएगा बल्कि चेहरे से अतिरिक्त तेल को भी हटा देगा। इसके लिए 2 चम्मच कच्चे दूध के साथ 1 चम्मच शहद मिलाएं और चेहरे पर लगा लें। 2 से 3 मिनट तक इससे मालिश करें और फिर गुनगुने पानी से धो लें। संवेदनशील त्वचा के लिए भी घर का बना यह फेस वॉश बहुत फायदेमंद होता है। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए फेस वॉश। मिली जुली त्वचा के लिए बाजार का इस्तेमाल किया जाने वाला फेस वॉश नुकसानदायक हो सकता है। बेहतर है ऐसी त्वचा के लिए घर पर ही फेस वॉश तैयार किया जाए। टमाटर का फेस वॉश। कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए टोमेटो फेस वॉश बहुत अच्छा है।
इसके लिए 2 चम्मच टमाटर के गूदे के साथ 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं। इसे चेहरे पर लगाएं और पानी से धोने से पहले 10 मिनट तक लगा छोड़ दें। आप चाहें तो इस फेस वॉश को बाद के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। बेसन का फेस वॉश। बेसन सबसे पुराने और प्राकृतिक होममेड फेस वॉश में से एक है। पैक को तैयार करने के लिए दूध, दही या मलाई के साथ बेसन को मिलाकर पूरे चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे से मालिश करें। 15 मिनट तक इसे सूखने दें और फिर पानी से धो लें। चेहरा धोते वक्त आप रोजाना इस होममेड फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस वॉश इस्तेमाल करने का सही तरीका। अक्सर चेहरे को साफ करने के लिए पानी और फेस वॉश का इस्तेमाल किया जाता है। लोग फेस वॉश लगाते तो हैं, लेकिन असल में उन्हें चेहरे पर इसका उपयोग करने का सही तरीका पता नहीं होता। इस वजह से फेस वॉश का इस्तेमाल करने के बाद भी उनका चेहरा साफ नहीं दिखता और गलत तरीके से रात धोने पर स्किन इन्फेक्शन की समस्या भी हो जाती है। हम आपको यहाँ फेस वॉश से चेहरा धोने का सही तरीका बताने जा रहे हैं। चेहरा धोने के लिए हमेशा सही फेस वॉश का प्रयोग करें। इससे आपकी स्किन का पीएच लेवल बरकरार रहता है और स्किन से जुड़ी सभी समस्या दूर हो जाती हैं। फेस वॉश का यूज करने से पहले चेहरे पर लगा मेकअप जरूर हटा लें। मेकअप रिमूवर नहीं है तो नारियल तेल भी प्राकृतिक मेकअप रिमूवर है। अब चेहरे को गुनगुने पानी से गीला करें। अपनी त्वचा के अनुसार क्लींजर या फेस वॉश लगाएं। चेहरे के हर हिस्से को फेस वॉश से कवर करें। 30 सेकंड के लिए सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से मसाज करें। अब धीरे से त्वचा को एक्सफोलिएट करें। एक्सफोलिएटिंग त्वचा से गंदगी और डेड सेल्स हटाने की एक प्रोसेस है। अब अपने चेहरे को धोएं और साफ टॉवल से सुखा लें। ध्यान रहे, चेहरा धोने के लिए गुनगुने पानी का यूज करें। इससे फेस वॉश के निशान ठीक से साफ हो जाएंगे। इसके बाद चेहरे पर चिकनाहट लाने के लिए टोनर लगाएं। कॉटन बॉल की मदद से आप टोनर उन जगहों पर लगा सकते हैं जहां छिद्र बड़े दिखाई देते हैं। अगर आपकी त्वचा परतदार है तो अल्कोहल फ्री टोनर का इस्तेमाल करें। फेस वॉश इस्तेमाल करते समय बरतें सावधानी। अक्सर लोग फेस वॉश का इस्तेमाल करते वक्त कई गलतियां कर बैठते हैं जिसका परिणाम त्वचा को भुगतना पड़ता है। इसलिए फेस वॉश का उपयोग करते वक्त सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। हमेशा अपनी स्किन टाइप के अनुसार ही फेस वॉश चुनें। ऑयली स्किन के लिए सैलिसिलिक एसिड, ड्राई स्किन के लिए मिल्क बेस्ड और सेंसिटिव स्किन के लिए मेडिकेटेड फेस वॉश ही खरीदें। बड़े ब्रांड के चक्कर में कोई भी फेस वॉश न खरीदें। चेहरे से मेकअप हटाए बिना फेस वॉश का इस्तेमाल करने की गलती कभी ना करें। मेकअप के साथ फेस वॉश से चेहरा धोने पर आपकी त्वचा के छिद्र बंद हो जाएंगे जिससे पिंपल उभर सकते हैं। दिन में भले ही आप चेहरे पर फेस वॉश का प्रयोग करें या न करें, लेकिन रात को सोने से पहले इससे चेहरा जरूर साफ करें। सुबह नहाने से पहले और रात में सोने से पहले फेस वॉश का उपयोग जरूर करें। फेस वॉश का प्रयोग करते वक्त न बहुत ज्यादा गर्म और न ही बहुत ज्यादा ठंडे पानी का यूज करें। इसके लिए गुनगुना पानी बेहतर विकल्प है। अगर आपके घर खारा पानी आता है तो रिहाइड्रेंट वाले फेस वॉश का ही इस्तेमाल करें। फेस वॉश का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लें। कई लोग फेस वॉश लगाने के तुरंत बाद धो लेते हैं, जबकि ऐसा करना गलत है। इसे तुरंत धोने के बजाय उंगलियों की मदद से हल्के हल्के से मसाज करें और फिर साफ गुनगुने पानी से धो लें। फेस वॉश से चेहरा रगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हल्के हाथों से ही मसाज करें। फेस वॉश का उपयोग करने के टिप्स। फेस वॉश करते समय एकदम ठंडे या एकदम गर्म पानी का उपयोग न करते हुए गुनगुने पानी से चेहरा धोएं। दिन में कम से कम 2 बार फेस वॉश जरूर करें। चेहरा हमेशा सुबह के समय धोएं। इससे पोर्स साफ हो जाएंगे और आप दिन भर फ्रेश फील करेंगे।
दोपहर के समय फेस वॉश करने से चेहरे पर जमा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। वहीं रात को सोने से पहले और ऑफिस से घर आने के बाद भी चेहरा धोए। इससे चेहरे पर मौजूद गंदगी निकल जाएगी और चेहरे की थकान भी दूर हो जाएगी। फेस वॉश को चेहरे पर हल्का सा मलें और सर्कुलर मोशन में मसाज करें। इससे स्किन टाइट और हेल्दी बनेगी। फेस वॉश के बाद चेहरा हमेशा साफ टॉवल से थपथपाकर सुखाएं। रगड़ने से चेहरे पर झुर्रियां पड़ने की संभावना रहती है। आप फेस वॉश के बाद चेहरा पोंछने के लिए किसी और के द्वारा यूज की गई टॉवल का इस्तेमाल न करें। आप फेस वॉश के बाद चेहरे पर मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। फेस वॉश से जुड़े लोगों के सवाल और जवाब। फेस वॉश साबुन से बेहतर क्यों है? आपके लिए फेस वॉश चेहरे की साफ सफाई के लिहाज से साबुन से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि साबुन का उपयोग चेहरे के लिए काफी हार्ड होता है, जबकि हमारी त्वचा बहुत संवेदनशील और कोमल होती है। साबुन का इस्तेमाल चेहरे से सारी गंदगी और मृत त्वचा को नहीं निकाल पाता, जबकि फेस वॉश में गंदगी साफ करने वाले सभी गुण मौजूद होते हैं। फेस वॉश को हर स्किन टाइप को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। साबुन के उपयोग से चेहरे की नमी गायब हो जाती है, जबकि फेस वॉश के इस्तेमाल से आप चेहरे पर प्राकृतिक नमी को वापस ला सकते हैं। दिन में कितनी बार करना चाहिए फेस वॉश का इस्तेमाल? आमतौर पर लोगों का मानना है कि ज्यादा से ज्यादा फेस वॉश का इस्तेमाल करने से त्वचा साफ होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह पूरी तरह आपकी स्किन टाइप पर निर्भर करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप दिन में दो बार फेस वॉश से चेहरा धोएं। वही स्किन अगर ड्राई है तो दिन में एक बार ही चेहरा धोना काफी है। अगर चेहरे पर मुहासे हैं तो समय समय पर आप फेस वॉश से चेहरा साफ कर सकते हैं। टीनेज लड़कियों के लिए सबसे अच्छा फेस वॉश कौन सा है? टीनेज लड़कियों के लिए केमिकल फ्री फेस वॉश बेस्ट है। यह उनकी त्वचा को नुकसान पहुंचाए बिना बेहतरीन परिणाम देता है। टी ट्री, एलोवेरा, विटामिन ई फेस वॉश का इस्तेमाल टीनेज लड़कियों को करना चाहिए। ये पूरी तरह से नेचुरल है। फेस वॉश की एक्सपायरी डेट क्या होती है? एक फेस क्लींजर में अगर गांठे पड़ने लगे और उसका रंग बदलने लगे तो समझ जाएं कि यह खराब हो गया है। फेस वॉश आपके चेहरे की गंदगी हटाने का सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन अपनी त्वचा का प्रकार और समस्याओं के आधार पर ही इसका चयन करें। कोई भी गलत फेस वॉश आपकी त्वचा को हार्ड बनाने के साथ त्वचा का पीएच संतुलन भी बिगाड़ सकता है। इसलिए फेस वॉश यूज करने से पहले इससे जुड़ी जरूरी चीजों की जानकारी जरूर ले लें।